सपने लेने पर अभी तक हिंदुस्तान की या विश्व की किसी भी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसीलिए सुशील गुप्ता जी, जितने सपने लेना चाहते हैं ले। बात नहीं, सपने साकार होते हैं, सपने हमारा अधिकार होते हैं, और शुक्र है कोई चीज़ बच गई दुनिया में जिसपे भाजपा टैक्स नहीं लगा सकती। सपनों पे भी टैक्स लगता है तो भाजपा सरकार इस पे भी एक कर लगा देती है। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता का दावा है कि अगले विधानसभा चुनावों में हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 में से 85 सीटें जीतेगी, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया था और कहा था कि सपने लेने पर अभी तक हिंदुस्तान या विश्व की किसी भी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है, इसलिए सुशील गुप्ता जितने चाहे सपने ले सकते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के इस बयान पर आज आप में शामिल हुई चित्रा सरवारा ने पलटवार किया। चित्रा सरवारा ने कहा कि शुक्र है कोई तो ऐसी चीज है इस दुनिया में जिस पर भाजपा सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। सपने लेने पर अभी तक हिंदुस्तान की या विश्व की किसी भी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसीलिए सुशील गुप्ता जी, जितने सपने लेना चाहते हैं ले। बात नहीं, सपने साकार होते हैं, सपने हमारा अधिकार होते हैं, और शुक्र है कोई चीज बच गई दुनिया में जिस पर भाजपा टैक्स नहीं लगा सकती। सपनों पर भी टैक्स लगता है तो भाजपा सरकार इस पर भी एक कर लगा देती है।